हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत खुश होंगे और अच्छे होंगे। 2023 साल ये खास करके आपका हर इंसान के लिए, यानी हर इंडियन के लिए या फिर आपका दूसरे कंट्री के लिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ अच्छा नहीं होगा। 2019 के बाद हर एक साल हर एक के लिए ही खराब हुआ है। दोस्तों, एक बात हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा खर्च कम कीजिए, बिजनेस है अच्छा से कीजिए और खर्च थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आने वाला साल और भी ख़राब होने का चांस है। खैर छोड़िए, हम आपको अपने चैनल के बारे में हम बताते हैं। ये आपका खड्डी है, यानी रेशम के धागा को किस तरह से बुना जाता है, यानी कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ से आपका साड़ी, पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा या फिर आपका चादर, ये सभी एक जगह पे ही बनता है। अभी जो बन रहा है ये आपका है साड़ी का कपड़ा, यानी बिल्कुल फाइन जो धागा होता है उस फाइन धागा से आपका साड़ी बनाया जाता है। यानी जो आपका कुकुन से धागा निकलता है उसको प्लाई किया जाता है, तो कभी आपका 2 प्लाई, कभी 3 प्लाई, कभी 4 प्लाई, कभी 5 प्लाई, कभी 6 प्लाई, इस तरह से आपका मोटा पतला बनाया जाता है। इसी तरीके से आपका कपड़ा भी आपका बनता है, यानी बिल्कुल जो फाइन आपका धागा होता है उससे आपका साड़ी बनता है। उससे थोड़ा मोटा हो तो उससे आपका शर्ट का कपड़ा, और थोड़ा मोटा हो उससे पैंट का कपड़ा, या फिर बिल्कुल मोटा हो उससे आपका चादर बनता है। तो इसी तरीक़े से इसी मशीन से ही वो सब बनाया जाता है। थोड़ा बहुत सिस्टम अलग होता है, यहाँ से आपका बनने के बाद इसमें फिर अलग से प्रिंट किया जाता है। यानी ये तो आपका वाइट धागा है, इस वाइट धागा को फिर आपका वाश किया जाता है, वाश करने के बाद बिल्कुल साफ़ हो जाता है, उसके बाद फिर इसमें अलग से प्रिंट किया जाता है। कहीं आपका मशीनों से होता है, कहीं हैंड प्रिंट होता है, और कहीं और कुछ दूसरे तरीक़े से होता है। जो बनारसी साड़ी होता है वो बनारसी साड़ी में आपका रेशम के धागे के साथ और भी दूसरा धागा को मिलाया जाता है। यानी जो आपका शादियों में आपका जो साड़ी यूज़ होता है तो वो यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है। इसमें आपका अलग से प्रिंट किया जाता है, प्रिंट होने के बाद फिर इसमें बहुत से ऐसा भी कपड़ा है जिसमें अलग से फिर आपका फ्लावर बनाया जाता है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। यानी बनारसी साड़ी में भी अलग से ही वो प्रिंट किया जाता है, लेकिन पहले ये प्लेन साड़ी ही बनाया जाता है। तो वो वीडियो भी हम आपको बाद में हम दिखाएंगे। यहाँ एक धागा टूट गया है, इस धागा को किस तरह से आपका जोड़ा जाता है वही आपका प्रक्रिया चल रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी देख ले, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी अगर कोई एक वीडियो देता हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। यानी धागा जहाँ बनता है वहाँ से आपको धागा खरीदना होगा, और उसी क्वालिटी का ही आपको खरीदना होगा। आप साड़ी के लिए करेंगे या फिर शर्ट के लिए या फिर आपका पैंट के लिए या फिर आपका चादर के लिए, यही सब आपका कपड़ा आपका बनाया जाता है, जो कि धागा पहले ही तैयार कर लिया जाता है। तो आपको धागा ख़रीदना है और ये खड्डी मशीन आपको अलग से ख़रीदना है, जो कि आपका एक एक मशीन का कीमत आपका 80,000 या 90,000 या 1 लाख इस किस्म का ही होता है, मतलब ऐसा ही दाम होता है। आपको लेके सेटिंग करना है और थोड़ा सीखना पड़ता है इसमें। यह इसको सीखने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 महीना या 2 महीना लगेगा, उसके बाद आप आराम से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।